जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन यानी कि यूपी NHM ANM ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको 5000 पदों का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फॉर्म फिलअप से पहले आप इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इंपोर्टेंट डेट्स के अकॉर्डिंग आप लोग 15 सितंबर 2021 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 40 साल के बीच रखी है, जहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। इसके अलावा जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी 12 सितंबर 2021 तक जाएगी। यहां पर आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी क्वालिफिकेशन की, तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 2 ईयर सर्टिफाइड डिप्लोमा जो कि आपका ANM के अंदर होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा। और साथ ही यहां पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको इस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले आपको टाइटल में मिस्टर मिसिज MRS जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इस सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। फिर यहां पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहां पर आपको इस प्रकार से एंटर कर देनी है। ये एंटर करने के बाद यहां पर दोस्तों आपकी एज 12 सितंबर 2021 तक कितने दिन की हो जाती है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब आपको अपना फादर नेम एंटर करना है, ये भी आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फिर यहां पर आपको अपनी माता जी का नाम एंटर करना है। नीचे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहां पर दोस्तों जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। इसके बाद आती है ईमेल आईडी। अब यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आपकी वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसको एंटर करने के बाद यहां से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है कि आप कौन से स्टेट के निवासी है। फिर इसके बाद आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो यहां पर आपको अपनी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है। ये फिल करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा रिजर्वेशन कैटेगरी, तो आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा कि यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपके पास है, तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप नो करेंगे तो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद यहां पर आपको दिया जा रहा है कि यस करने पर यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहां पर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद है स्पेशल कैटेगरी, अगर आप फिजिकली डिसेबल यानी कि विकलांग हो तो इसके ऊपर टिक कीजिए, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल नंबर, अब आपको यहां पर यह भी एंटर कर देना है। फिर आता है टोटल ईयर्स एंड मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास कितने ईयर और कितने मंथ का एक्सपीरियंस है वो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहले आपको यहां पर ईयर मेंशन करने हैं, जैसे कि यहां पर मैं 2 ईयर सिलेक्ट कर लेता हूं, और जो मंथ है वो यहां पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहां पर 00 सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो सबसे पहले 10th के अंदर आपने किस इंस्टीट्यूट किस कॉलेज से की है आपको उसका नाम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है कि किस बोर्ड से आपने 10वीं पास की है और कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो यहाँ पर आपको मैंसन करना है। फाइनल ऑप्टेंड मार्क्स, आपको कितने नंबर आए थे 10वीं के अंदर वो आपको लिखना है, और कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। फिर आपको सेम वे में अपने 12th की जानकारी भरनी है, अपने यहाँ पर कॉलेज का नाम देना है, अपने बोर्ड का नाम देना है, कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो ईयर मेंशन करना है, कितने नंबर आपको आए थे वो डालना है, और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखना है, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आते हैं ANM। तो यहाँ पर दोस्तों कौन से इंस्टीट्यूट से आपने किया है उसका नाम आपको देना होगा। मैंने अभी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बाद में मैं इसको पूरा डिटेल में लिख लूंगा। अब आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देना है। अगर आपने डायरेक्टली इंस्टीट्यूट से किया है यहाँ पर भी आप अपनी इसी इंस्टीट्यूट का नाम दे दीजिए, या किसी कॉलेज के द्वारा किया तो पहले कॉलेज का नाम और
और यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से वो कॉलेज एफिलिएट है उसका नाम आपको यहाँ पर देना होगा। कौन से ईयर के अंदर आपने पास किया है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फाइनल ऑप्टेंड मार्क्स के अंदर आपको जो नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देने हैं। तो चलिए हम यहाँ से इनको फिलअप कर देते हैं। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं और परसेंटेज आपकी जो भी होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब आती है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंसेस। तो यहाँ पर आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट को प्रेफरेंस देनी है वो डिस्ट्रिक्ट अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद है टेंथ मार्कशीट। अब आपको यहाँ पर टेंथ की मार्कशीट अपलोड करनी है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी टेंथ की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आएगा कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओनली, यानी कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही इसको अपलोड करना होगा। ये इमेज में आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ से पीडीएफ सिलेक्ट करके इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम आ जाएगा। इसके बाद आपको ट्वेल्थ की मार्कशीट अपलोड करनी है। आपका जो एनएम डिग्री फाइनल मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड करना है। यूपी स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आधार कार्ड की फोटोकॉपी फ्रंट बैक दोनों से अपलोड करनी है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, आपने इसकी जानकारी दी है, तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट तो यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट तो यहां पर आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। और अगर आप विकलांग है तो आपको यहां पर ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो आप इनको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। इसके अलावा यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है जिसका फोटो जेपीजी या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करके यहां से इस प्रकार से ओपन करना है तो आपका फोटो आ जाएगा। सेम वे में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर आपका सिग्नेचर इसको सिलेक्ट करके यहां से ओपन कर लीजिए। आपका सिग्नेचर भी आ चुका है। अब आपको यहां पर टिक करना है। टिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है इनको वेरीफाई कीजिए कि हां सभी जानकारी सही है। तब आपको नीचे आना है और सबमिट फाइनल फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट फाइनल फॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने आपके फॉर्म का प्रिंट आ चुका है। आपको यहाँ पर कंट्रोल पी करके या फिर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेना है। तो इसी प्रकार से आप लोग यूपी एनएचएम एएनएम ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।